ओम शांति। आज 22 जुलाई 2019 के साकार मुरली। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आय बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? आज बाबा कहते हैं, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोतामिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। इतना हम उपराम हो जाए, विदेही बन जाए कि और कोई शरीर, शरीर से रिलेटेड चीज़ें, वस्तुएं, वैभव, इन सब में बुद्धि ही न जाए। जैसे दादी कहती थी कि जब 14 साल की भट्टी की किसी ने दादी को कुछ पैसे दिए तो दादी ने उसको समझा, ये क्या है, ये ठीक कर क्या दिए है। तो बाबा कहते हैं, हमारा ममत्व बाहर की दुनिया में, बाहर की चीजों में न रहे, जिम्मेवारियां निभाए, परंतु मन बुद्धि कहीं अटके नहीं। आज मुरली में बाबा विशेष 3 बुद्धि का वर्णन करते हैं। मानव बुद्धि, जो कि अभी कलयुगी मनुष्यों की है, जो कि क्रिमिनलाइज्ड है, अर्थात कि जो देखने का विजन है वो भाई भाई तो बाबा कहते हैं दूर की बात, परंतु हमारी बहन भाई की भी दृष्टि न जाए, आत्मा समझ आत्मा को देखे। परंतु आज मनुष्यों का जो दृष्टिकोण है, पहले देह को देखने को जाता है, पहले देह देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये शरीर के भान को हमें छोड़ना है, तभी हम क्रिमिनलाइज से सिविलाइज्ड बन सकेंगे, अर्थात कि दूसरी बुद्धि, जिसकी बाबा आज विशेष बात कर रहे हैं, मानव बुद्धि से हमें बनना है ईश्वरीय बुद्धि, अर्थात के स्वयं को आत्मा समझ के अन्यों को भी आत्मा भाई के रूप में देखना। मैं आत्मा और सामने वाला आत्मा, तो भाई भाई की दृष्टि पक्की होते जाएगी और हम एक परमात्मा की संतान है, तो ईश्वर की भी याद स्वतः आएगी। हमें बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, परंतु याद हमारे साथ में कंबाइंड हो जाएगी, क्योंकि स्वयं बाप हमारे साथ में कंबाइंड है। तो जब बाप कंबाइंड होगा, बाबा की याद रहेगी, ऑटोमेटिकली कर्मातीत स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे। बाबा तो विशेष कहते हैं आज कि ये मंजिल बहुत भारी है और कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे जब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर हमारा रूहानी ब्रदरली लव रहता है, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि भी नहीं होती, तभी हम ऊंच पद पा सकते हैं, अर्थात तीसरी बुद्धि जिसकी आज बाबा विशेष बात करते हैं, वो है दैवी बुद्धि। यहाँ पे जब हमारी ईश्वरीय बुद्धि होगी, तभी सतयुग में तो दैवी बुद्धि होगी ना, इसलिए सतयुग में देवी देवताओं की हम महिमा करते हैं कि वे सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। तो हमें ऐसा बनना है, तो दैवी बुद्धि बनने के लिए भी हमें मेहनत करनी होगी स्वयं पर, ईश्वरीय बुद्धि बनने के लिए। तो मुरली को बड़े ध्यान से, प्यार से सुने, और जैसे जैसे बाबा के महावाक्य सुनते हैं हम, उसके स्वरूप बनते जाए। मुरली ही तो हमारे लिए गाइडलाइन है ना, भोजन है आत्मा के लिए, जो हमें ताकत देता है, बाबा के और करीब ले आता है, और उसी से तो हमें इशारा मिलता है कि सर्विसेबल कैसे बनना है। तो आज बाबा विशेष कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा में हमें कम से कम 5 से 6 घंटा तो देना ही चाहिए, तभी तो हमारे जो पुराने विकर्म हुए हैं वो सेवा के द्वारा भी चुकते होंगे। तो बाबा आज कहते हैं कि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा समय नहीं है ना, अभी कल करेंगे,
कल के ऊपर डाल देते हैं। तो बाबा आज उन्हें विशेष सावधानी दे रहे हैं कि कल पर डाला माना काल के हाथ में स्वयं को सौंप दिया, कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं, कहीं बॉम्ब्स गिर पड़ते हैं, कहीं अर्थक्वेक हो जाती है, अभी देखो तो कहीं बाढ़ आ गई अचानक से। तो नेचुरल कैलामिटीज तो बहुत होनी है और इससे नुकसान भी बहुत होना है, क्योंकि होलसेल में ये सारा कार्य चलेगा ना। जैसे जैसे अंतिम समय आएगा तो बाबा हमें विशेष सावधानी देते हैं। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे और तभी हमें ज्ञान को अपने अंदर यथार्थ उतारना आएगा। अहंकार बिल्कुल भी निकल जाएगा और जो उपरा उपरी आज हम देखते हैं विकारों में जाना या सूक्ष्म में भी जो विकार हमारे अंदर है वो सब को मिटाना है, अति सूक्ष्म में जाना है। किसी को हमें सूक्ष्म में भी दुख नहीं देना है। अगर पतित से पावन बनना है तो क्रिमिनलाइज से पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि कहाँ मेरी बुद्धि दृष्टि वृत्ति चंचल तो नहीं होती है, क्रिमिनलाइजेशन में तो नहीं चले जाते हैं। तो पूरा पूरा सिविलाइज्ड बनाए। आज धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छी छी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। आज का वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो आज के वरदान पे विशेष हम अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए योग करेंगे। मैं आत्मा इस तन में विराजमान, मस्तक के बीच में जगमगाता टिमटिमाता सितारा हूँ। इस शरीर में बीमारियों के रूप में जो भी हिसाब किताब मेरे सामने आते हैं मैं इनसे साक्षी हो जाता हूँ, साक्षी हो देखता हूँ कि मेरे 63 जन्मों के पाप इन बीमारियों के द्वारा दग्ध हो रहे हैं और जो दवाइयाँ इस शरीर को ठीक रखने के लिए हम लेते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, ये रहे हुए हिसाब किताब को इजीली चुकतू करवा रहे हैं और मैं आत्मा खुशी खुशी से इन सारे हिसाब किताब को चुकत कर रही हूँ। खुशी मेरा खजाना है, खुशी मेरी सर्वश्रेष्ठ दवाई है। मैं आत्मा शिव बाबा से प्राप्त
इस खुशी के खजाने से भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति।